चलिए तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का। ओके क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन। एग्जिस्टेड अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ। व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर्ड टू द ओके क्या ऑर्बिटल साइज होगी कंपेयर टू द अर्थ, मतलब रेडियस का अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो ट्वाइस ए फास्ट एज द अर्थ, मतलब जो टाइम पीरियड है अर्थ के रिस्पेक्ट में आधा है, क्योंकि स्पीड जल ट्वाइस स्पीड है तो टाइम पीरियड तो आधा होगा ना। होगा ना, ठीक है ना। तो मान लिया कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टी ई है, कितना है टी ही अर्थ का, मतलब वही जो अर्थ का मान लो टाइम पीरियड जो है अपने सन के अबाउट, टाइम पीरियड उसका रेवोल्यूशन कितना है टी ई है। तो जो नया प्लैनेट है उसका जो टाइम पीरियड होगा कितना टी ई बाई टू, टी ई बाई टू, क्योंकि इसकी स्पीड ट्वाइस है तो टाइम तो कम लगेगा ना। स्पीड डबल कर दोगे तो टाइम तो कम लगेगा। चलो अब ऑर्बिटल साइज ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की ऑर्बिटल साइज कितनी है, मतलब रेडियस कितनी है भाई, सन से ले करके अर्थ तक की दूरी क्या होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें कहना है कि ऑर्बिटल साइज ऑफ द प्लैनेट पता करो। तो कल मैंने बताया था भाई रिलेशन आपको, टी टू प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, याद आया, टी टू प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो ये लग गया भाई, देखिए इसका वो बना लो, रेशियो रूल बना लो। तो टी प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन टी अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू आर प्लैनेट का क्यूब अपॉन आर अर्थ का क्यूब। आया समझ में कि नहीं आया, बस हो गया, वैल्यू रख दो। तो आर प्लैनेट अपन को चाहिए, आर प्लैनेट को अलग कर लो, बाकी सबको इधर जान दो और इसकी वैल्यू देखिए। हाँ टी प्लैनेट का कितना था, 1/2 था बेटा ये, सॉरी कितना था, 1/2 ऑफ टी अर्थ। प्लैनेट है ना का टाइम पीरियड आधा लग रहा था, टी अर्थ से टी अर्थ क्या हो गया कैंसिल, केवल कितना बचा 1/2 की पावर 3/2, मतलब 0.3/2 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 0.5 की पावर 2/3 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल रूट। आपको यहीं छोड़ करके आना है क्योंकि 0.5 का 2/3 कोई निकाल नहीं पाएगा, समझ गए ना, या याद रहे तो 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर, डन, बन जाएगा, देख लीजिए एक बार उसमें। एक बार सर आप एक मिनट शुरू से बताना सर, ये टी पी मतलब जी ये दिया है जो सर प्लैनेट का टाइम पीरियड, तो हाफ टी स्क्वायर तो उससे ही मिला ना अपन को, ट्वाइस एज फास्टेस्ट। हाँ उसी से मिला, हाँ उसी से मिला, उसी से यूज़ किया अपन ने फिर इसको फॉर्मूले में, ठीक है। चले आएंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन, हाउ वुड यू वेट द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 × 10⁻⁸ किलोमीटर। कह रहा है कि आप बताइए हाउ यू वेट द सन, आप सन का वेट, सन को वेट कैसे करोगे भाई। अर्थ जो है किसके चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है, मतलब अर्थ के रोटेशन को तय करने में किसका हाथ है, सन का, ठीक है ना। कह रहा है इफ द मीन ऑर्बिटल रेडियस, जो सन की जो मीन ऑर्बिटल रेडियस दी गई है वो दी गई है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, वही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, समझ गया ना। मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अबाउट द सन इक्वल टू 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, समझ गया ना, ये सन से अर्थ की दूरी है। तो भाई कल हमने डेरिवेशन देखा था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या आया था, 4π r³/gm मास, ये था रिलेशन टाइम पीरियड का, समझ गया ना। इसी को कॉन्स्टेंट करके मैंने बताया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, याद आया। तो ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन था अर्थ के टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट अराउंड द सन इज गिवन बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 4π r³/gm s, ठीक ना। यहाँ r क्या है, r इज द एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। क्लियर हो गया भाई। टाइम पीरियड अपन को तो मास निकालना है ना बेटा, मास ऊपर कर दो और टाइम कौन कहाँ जान दो, नीचे जान दो। तो टी स्क्वायर जान दिया नीचे, क्या बन गया 4π r³/gt² चलिए अच्छी बात है भाई। t इक्वल टू आ गया 4π r³/gt² ठीक है ना, 4 की जगह पे 4, क्लियर हो रहा है। पाई की जगह पे 3.14,
जी ऊपर है आर क्यूब, आर दिया हुआ है बेटा अपन को, देखिए 1.5 × 10^11 m आर का क्यूब, बोलो यस। यस सर। एंड टी टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365 दिन, 365 डेज। तो 365 डेज को ऐसा यूनिट मतलब एक दिन में कितने घंटे, 24। और 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकेंड, 60। तो 365 × 24 × 60 × 60 का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये जी की वैल्यू समझ में आया। सॉल्व करके आ गया मास कितना आ गया सन का, 2 × 2.0 × 10^30 kg आया समझ में, सन इतना भारी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड अ बॉडी वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ द वेट इफ इट वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। अगर इसको ऑन द सरफेस आपने निकाला है 250 न्यूटन पे, ठीक है ना, तो आपको कह रहा है कि बताइए हाफ वे में इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई आपने ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस आपको क्या मिलता है, mg, क्या मिलता है mg, तो mg इक्वल टू कितना है 250 न्यूटन, mg इक्वल टू कितना है 250 न्यूटन। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। mg इक्वल टू 250 न्यूटन, तो पहले मास निकाल लो भाई। सरफेस पे g कितना होता है, 10 होता है, तो m इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 250, बोलिए यस। m इक्वल टू 250 बाई 10 कितना बचा, 25 किलोग्राम, कितना हो गया, मतलब यहाँ पर जो मास है इस बॉडी का 25 किलोग्राम है। ग्रेविटी 10 की वजह से इसका जो वेट हो रहा था वो 250 आ रहा था, बोलो यस। अब क्या कह रहा है, आप नीचे जा रहे हो, ये अर्थ की रेडियस है, ये टोटल रेडियस कितनी है r, कितना नीचे जा रहे हो रेडियस का, ठीक आधा, मतलब खुदाई करके आप कितने पे चले गए, r/2 आपने खुदाई कर ली, बोलो यस सुनो। तो अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, क्या बताया, आज ही बताया, जी डैस इक्वल टू जी 1 − dy/r, बोलो सर, ठीक है ना। तो 1 − d की जगह कितना, r/2 अपॉन कितना, r से r क्या हो गया जी, कितना बचा 1 − 1/2, यस और नो, 1 − 1/2 इक्वल टू कितना हो गया g/2। मतलब इस पॉइंट पर जो इफेक्टिव ग्रेविटेशन आपका काम करेगा जी डैस कितना होगा, g/2, डन क्लियर, g/2। तो अब आपको निकालना है कि आपका वेट कितना हो गया नया, तो W इक्वल टू मास, तो बेटा कभी चेंज नहीं होता, बोलो यस वनो, मास इंटू ग्रेविटी चेंज हो गई g/2, तो g/2 कितना आया आपके बेटा, 10/2 यानी 5 आया ना, जी 10 था और अपॉन 2 कर दिया, तो नई ग्रेविटी कितनी हो गई 5, तो आंसर 25 × 5 कितना 125 न्यूटन, मतलब इस पॉइंट पर आपको कितना लगेगा 125 न्यूटन। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Two heavy sphere, each of mass 100 kg and radius 0.1 meter, are placed 1.0 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational field and potential at the midpoint of the line joining the centers of the spheres? हाँ, तो gravitational field बताना है और आपको gravitational potential बताना है। Gravitational field का मतलब G का ही formula लगता है, but इसको E से denote करते हैं, तो E equal to क्या होता है बेटा, G का formula Gm upon R square, समझ में आया? तो आपको एक तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा आपको निकालना है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इक्वल टू जी एम अपॉन आर, पढ़ाया ना मैंने अभी, चलिए निकालिए जल्दी से, निकालो कोशिश करो, स्टार्ट करो। देखिए बेटा क्या दिया गया है, टू हैवी स्फीयर ऑफ मास 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम के मास है, मतलब ये भी है 100 किलोग्राम का और ये भी है 100 किलोग्राम का, ठीक है, क्लियर है बेटा। 100 किलोग्राम के दो मास रखे हुए हैं, रेडियस है 0.1 मीटर की दोनों की, और दोनों 1.0 मीटर अपार्ट, यानी 0.1 मीटर की रेडियस और 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। जब 1 मीटर अपार्ट है दोनों, है ना, दोनों 1 मीटर अपार्ट है, तो क्या होती है बेटा कि जो डिस्टेंस मानी जाती है वो सेंटर से मानी जाती है, मतलब ये मास ए है और ये मास बी है, ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी बेटा 0.5, और यहाँ से भी दूरी क्या होगी 0.5, ठीक है। आपको कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है,
ये जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू वही जी का फॉर्मूला कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसका? मैग्नीट्यूड। मैंने वेक्टर कहीं लगाया नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? डायरेक्शन हमेशा बड़े प्लैनेट की तरफ। क्या कर रहा है सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम यानी बड़े प्लैनेट का मास, आर यानी उसकी दूरी, ठीक है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? कह रहा है कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, पहला ये क्वेश्चन। ई तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना सर? ई ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी को जी को ही ई बोलते हैं, ठीक है, ई भी बोलते हैं, इसी को जी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो अपन को ग्रेविटेशनल फील्ड लगाना है। तो देखिए, लेट ए एंड बी आर द पोजिशन ऑफ द टू स्फीयर एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ग्रेविटेशनल फील्ड पी एट पी ड्यू टू द मास ए। बेटा मास ए की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर कितना निकलेगा, वही फॉर्मूला, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की जगह जी, मास कितना दिया है 100 अपॉन आर, इससे की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, बोलो ये सुनो। अब बेटा ये किसके अलोंग एक्ट करेगा? हमेशा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अंदर की ओर होती है, समझ गए, अंदर की तरफ। कहाँ होती है? अंदर की तरफ, क्योंकि बड़ा प्लैनेट जो होता है छोटे प्लैनेट को ऑलवेज खींचता है। जैसे अर्थ की भी जो होती है तो ग्रेविटी कहाँ लगती है? डाउनवर्ड लगती है ना, तो वही डाउनवर्ड ही तो है एक तरीके से। ये बड़ा प्लैनेट है तो ये इसके अंदर की तरफ होगी, ये इंटेंसिटी पी ए। एलॉन्ग कितना? पी ए। अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर आपने डायरेक्शन लिख दी पी से लेके ए, तो ये वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वेक्टर। तो आप इसमें चाहे तो एरो लगा भी सकते हैं। मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो केवल इतना और डायरेक्शन इतना, तो ये कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी बन गई ईवन। समझ में आया? अब ग्रेविटेशनल फील्ड पी ड्यू टू बी, बेटा मास वही है 100 किलोग्राम, डिस्टेंस भी वही है, बोलो यस, मास भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है, बोलो ये सुन लो, ठीक है ना। तो ये कब किसके अलॉन्ग लग रही? पी बी। अब बोल रहा बताओ नेट कितना होगा, तो बेटा ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर को जोड़ दो। तो आप खुद से फील करो कि ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर का सम, क्या आपको जीरो नहीं दिखाई दे रहा? बेटा दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, देखो दोनों वैल्यू इक्वल हैं और अपोजिट हैं, बोलो यस और नो। तो आंसर मतलब नेट फील्ड कितना होगा? एक नेगेटिव ने, एक पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, एक पैक बैक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे तरफ है ना। मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ऐसी सिचुएशन एंटी पैरेलल कि एक जन गले में रस्सी बांध के यहाँ खींच रहा है, एक जन यहाँ खींच रहा है, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो ये कैंसिल कर देगा इसको। चलिए पढ़िए, एज ई वन एंड ई टू, एज ई वन एंड ई टू हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी जीरो। समझ में आया? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? जीरो। अब निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैंने फॉर्मूला बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, वी इक्वल टू होता है माइनस जी एम अपॉन क्या, आर। और याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ गया ना। तो अगर नेट पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट पर, दो लोग लगा रहे हैं ए और बी, तो पोटेंशियल क्या होगा? वी ए प्लस कितना? वी बी, बोलो यस। चलिए, तो भाई इस पॉइंट पर दो लोगों का पोटेंशियल काम कर रहा है, एक ए का भी काम कर रहा है और एक बी का भी काम कर रहा है। तो ए का पोटेंशियल कितना होगा? मैंने बताया था माइनस जी एम अपॉन आर, डिस्टेंस आर है, उसकी भी तो आर है, तो माइनस जी एम अपॉन उसकी भी। अब ये प्लस बीच में है बट ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड हो गए, तो कितना आ गया? माइनस टू जी एम अपॉन आर। समझ में आया? वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, डन। बस सिंपली वैल्यू प्लेस करना और कुछ भी नहीं है, समझ में आया ना। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब वहां पर उस पॉइंट पर जिसका यूनिट मास है वो कितनी एनर्जी फील करेगा। आंसर माइनस 2.668 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल पर किलोग्राम एनर्जी फील करेगा, समझ गया ना। द एनर्जी रियलाइज्ड बाय यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। तो ये था आपका चैप्टर, फिनिश हुआ, बहुत सुंदर चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, ठीक है ना। चलिए अब है इसका टेस्ट, अब इसके टेस्ट करते हैं हम, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं इसके, कि कैसे क्वेश्चन इसके। कल मैंने कहा था आपसे, आप ओरल टेस्ट की तैयारी करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, बुलाइए बुक। चलिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसकी नॉलेज के बेस पे अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, खुद ही करने हैं, ठीक है ना। गलत सही से कोई दिक्कत नहीं है, सही मैं बताऊंगा आपको बाद में,
आपको पहले बताने हैं। चलिए फर्स्ट बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन फॉर्मूला ए बी सी या डी, विच इज द राइट आंसर? सर बी। गलत, करेक्ट आंसर है डी। भाई आप निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू बराबर क्या बचेगा? जी। एफ क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब एम एल, मास हो गया एम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी की पावर माइनस टू। बोलो यस। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और नीचे एम का स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो मैं तो एम की पावर माइनस वन देखते ही समझ गया था, क्योंकि एक एम है, एक एम से एक एम कैंसिल होगा, एक एम की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, तो इसी का आंसर डी हो गया। तो बोलो ये सुनो। अब वैसे देखना हो पूरा तो एल की पावर दो, पावर एक, पावर तीन, और टी की पावर माइनस टू। आ गया समझ में? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? ज्योग्राफिकल पोल्स। ज्योग्राफिकल पोल्स, बिल्कुल सही बेटा, वन मार्क्स। इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट इज। अगर किसी इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो ही होगी सर। जीरो ही होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास कुछ होती नहीं है। ओके, इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी देन टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज जीरो। ठीक है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज जीरो। फोर्थ पॉइंट डी, केपलर्स लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर डी। डी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही है ना। आई ओमेगा, हाँ, डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना, एरियल वेलोसिटी सेम होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, द शेप ऑफ यूनिवर्स इज गिवन बाय, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोपिक लेवल, एटॉमिक लेवल। ये थोड़ा सा लर्निंग वाला क्वेश्चन है, रट्टा टाइप का है। बताइए अपने मतलब बेसिक्स को देखते हुए। माइक्रोस्कोपिक लेवल ही से होगा सर। नहीं, करेक्ट आंसर इस सी है इसका, रट लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियर लेवल, ठीक ना, सम वॉट इसको रटना ही है। ठीक है, कुछ वो नहीं है ना? नहीं, इसका कुछ वो नहीं है, आगे पीछे इसका कुछ भी थ्योरी भी नहीं है आपकी बुक में भी, है ना, वो बाहर से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बेटा ये बल्ब जला दे, ये वाला वाला बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, 6.67 × 10⁻¹⁰, मतलब ए ऑप्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एस्केप वेलोसिटी बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास, मास पे कितनी पावर से डिपेंड करती है? वेरी गुड, डिपेंड ही नहीं करती, मतलब जीरो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, By how much should the orbital velocity of the moon increase that it does not remain in satellite of the earth? Satellite of earth. Orbital velocity को moon के कितना कर दिया जाए जिससे कि वो earth के उससे दूर चला जाए? Two times sir. Two times क्यों करोगे भाई, root two times करोगे ना, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, अरे बेटा सुनो, वी ऑर्बिटल क्या होता है? अंडर रूट जी आर। और वी एस्केप क्या होता है? अंडर रूट टू जी आर। अंडर रूट टू जी आर को कैसे रूट जी आर नहीं लिख सकते हो? तो भाई एस्केप बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, टू का कि रूट टू का? रूट टू का। तो आंसर कितने टाइम्स? रूट टू टाइम्स। समझ में आया? नेक्स्ट, नाइन्थ, इन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द स्टार इज जनरली, बताइए, केपलर्स लॉ। सर्कुलर मोशन। गलत, इलेप्टिकल ऑर्बिट में बताया था। इलेप्टिकल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 11th, द टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट,
24 आवर्स। बिल्कुल सही, 24 आवर्स होता है ना। नेक्स्ट द जी वैल्यू एट पोल्स मोर लेस जीरो मोर, बिल्कुल सही, ऑन कर, बिल्कुल सही, मोर। द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, GM upon R square sir। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट इक्वल टू माइनस GMM बाई R होता है। जब इसी में डिवाइड करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनता है, माइनस GMM अपॉन R, एनर्जी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, GMM अपॉन R एनर्जी, ठीक है ना, माइनस GMM बाई R, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गया ना, 12 का ए, 13, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सेटेलाइट, बताइए रेडियस को इंक्रीज करने पर सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी सर? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सेटेलाइट रिवॉल्विंग द अर्थ वेरी क्लोज टू इट, रूट जी आर, बिल्कुल सही, ठीक ना, रूट जी आर, एग्जैक्टली। चलिए तो ये हो गए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज कॉल्ड, द रेशियो ऑफ अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, वर्क डन, नो वर्क डन नहीं सर, अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स यानी आपने जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड किया है अपॉन एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? ग्रेविटी? नहीं भाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ अपॉन ए क्या बनेगा, एम ही तो बनेगा, मास बनेगा, यस। तो आंसर क्या आएगा, मास। और मास का दूसरा नाम अगर लीनियर मोशन के केस में मास को बोलते हैं इनर्शियल मास, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मास लिख दो तो भी सही है और इनर्शियल मास लिख दो तो इज्जत बढ़ जाएगी, समझ गए ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, द ग्रेविटेशन मास इज डैश टू द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, यस। अब आपको बताना है कि सेकेंड है आपका कि जो ग्रेविटेशनल मास हुआ करता है, ग्रेविटेशनल मास इज टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल मास कितना हुआ करता है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, भाई ग्रेविटेशनल मास जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल मास इज प्रपोर्शनल, यहाँ पे क्या आएगा, प्रपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली प्रपोर्शनल, हाँ डायरेक्टली प्रपोर्शनल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, द फोर्स पढ़िए, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू डैश एट दैट पॉइंट, हाँ ये डेफिनेशन है बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। सो इसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, तो जब फोर्स में होता है तो एफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन मास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसी को तो जी बोलते थे, याद करो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। खोल देना गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ नंबर, क्या बताया, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट
पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पढ़िए. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो. वेरी गुड, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स. बिल्कुल सही, 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी. आंसर क्या आएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज इन कौन से ऑर्बिट में? इलेप्टिकल ऑर्बिट. कौन सा ऑर्बिट? इलेप्टिकल ऑर्बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. द हेवीली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स बच्चों वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. द बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट. ठीक है ना. नेक्स्ट, जी इज अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. डन. ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज, बताओ मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम. मिनिमम, बिल्कुल सही. अगला क्वेश्चन पढ़िए. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट इंफिनिटी. क्या होती है इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इंफिनिटी होती है. क्यों होगी इंफिनिटी? फॉर्मूला क्या होता है? यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. अरे रुक तो जाओ भाई, आर की जगह डिस्टेंस इंफिनिटी ले लो. इंफिनिटी पर वैल्यू क्या होती है? जीरो. आंसर क्या होगा? जीरो. समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आंसर है जीरो. चलिए अब इसके बाद ये मिलाना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. जी की यूनिट क्या होती है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ही तो है. एल टी की पावर माइनस टू है ना, फर्स्ट का डी. सेकंड पढ़ो क्या है? सेकंड का सर वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. सी सेकंड का सी हो जाएगा. बिल्कुल सही, सेकंड का सी हो गया. थर्ड पढ़ो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स मैक्सिमम. हाँ, थर्ड का बी हो जाएगा मैक्सिमम. देन रिलेशन बिटवीन आर जी एंड जी क्या होता है भाई? यूनिवर्सल लॉ. ये बता है ना. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ. हो गया ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगला फिर से कॉलम मैच करने को आ गया है. हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ये होता है जी इक्वल टू 6.67. ठीक है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8. ठीक है, अर्थ पे जो होता है 9.8 होता है. मास एनर्जी इक्विवेलेंस एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर. ये आर आर था, ये गलती से इसने एच कर दिया है ना, रूट टू जी आर. और ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर. डन. चलिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द जीरो. जीरो, बिल्कुल सही. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड? जीरो. जीरो. ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर काय का पोटेंशियल रहेगा है ना. आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इन्फिनिटी. तो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर. आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो. सेकेंड, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम. वेरी गुड, बिल्कुल सही. स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर. ठीक ना, ये होता है रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइट ऑफ जी इज 36,000 किलोमीटर. वेरी गुड, बिल्कुल सही, 36,000 किलोमीटर. अगला क्वेश्चन. सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस. टाइम पीरियड क्या होता है? 84.4 मिनट. याद आया? दिन में 17 रेवोल्यूशन. ठीक है, चलिए तो आंसर करेक्ट है 84.4. ओके, सो ये हुआ हमारा चैप्टर, बहुत ही ब्यूटीफुली डन. थैंक यू सो मच. ठीक ना, अब करिए ग्रेविटेशन की तैयारी.